केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे। वहीं एयरपोर्ट पर सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं सिंधिया ने अग्निपथ योजना की तारीफ करते हुए कहा, देश हित में ये योजना फायदेमंद है। सेना में इस योजना के द्वारा अधिक से अधिक नौजवानों को अवसर प्रदान किए जाएंगे। योजना नौजवानों के हित में है। टिकट वितरण पर कहा कि टिकट वितरण को लेकर कोई असंतोष नहीं है। ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बीजेपी में निर्णय संगठन के आधार पर लिए जाते हैं। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में विकास के कई कार्य कराए गए हैं जो दो साल में अब आकार ले रहे हैं। हमारी पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी, जो भी निर्णय लिया जाता है प्रजातंत्र और सभी के मतों के आधार पर लिया जाता है। आपने स्वयं देखा है, पहले मंडल लेवल की समीक्षा होती है, फिर एक जिले लेवल की समीक्षा होती है, फिर एक संभागीय लेवल की समीक्षा होती है। तो हमारे दल में हर भारतीय जनता पार्टी में हर एक कदम पर साथ में मिलकर निर्णय लिया गया। जो भी निर्णय लिया गया है निजी रखे आइडिया है, मैं समझता हूँ कि प्रचंड बहुमत से हमारे कदम पार्षद जीतेंगे, हमारी महापौर जीतेंगे। आने वाले समय में जितनी भी हमारे मध्य प्रदेश में इकाई है। खबर चंदेरी से है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें अच्छी शिक्षा के लिए भले ही प्रयासरत हों, लेकिन सरकारी नुमाइंदे सरकार की शिक्षा नीति में रोड़ा बनकर सामने आ रहे हैं। चंदेरी तहसील अंतर्गत ग्राम सकवारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जिस स्कूल में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं उसी स्कूल की छत व दीवारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बारिश के मौसम में तो पूरी छत में से पानी टपकता है और दरारों से भी पानी आता है। इस ओर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मीडिया कर्मियों द्वारा जब इस संबंध में स्कूल प्राचार्य से बात की गई तो उन्होंने अपने वरिष्ठ को कई बार आवेदन दे चुके हैं, ये उनका कहना है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, ये कहकर टाल मटोल करते नजर आए हैं। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस हिसाब से बच्चे थोड़ी ना भेजूंगा स्कूल में। इस कंडीशन रहेगा तो स्कूल में बच्चे थोड़ी ना पढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। बरसात का मौसम आ रहा है, लग गया है, आगे चल के हो सकता है कोई भी क्या घटना घट जाए। क्या समस्या है स्कूल में भी? इसमें सर ये ऊपर से छत गिर रहा है, सर ये दिख रहा है, क्या नहीं लिया उन्होंने आवेदन? किसने लिया? मतलब दिया तो है, वो पावती नहीं दी। किस अधिकारी को दिया? जी लाल राम साहू को दिया। किस पद पर है लाल राम साहू? सीएससी। क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, पावती नहीं दी और क्या ले लिया बस वो आवेदन। आपने बताया नहीं विद्यालय की छत क्षतिग्रस्त है, कभी भी धराशायी हो सकती है, बच्चे पढ़ते हैं। वो तो हर महीने आते हैं, देखते भी हैं, सब बातें।